हाँ स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक्सरसाइज 9A का इंटरेस्ट चैप्टर लेके आ रहा हूँ। इंटरेस्ट चैप्टर आप इसमें बोला है 7 का 1, रोमन 1, इन हाउ मेनी ईयर। आपको पता है हाउ मेनी ईयर बोला है? विल रुपीज 950 प्रोड्यूस 399 एज सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत अच्छा है स्टूडेंट, मतलब 399 क्या था? एज सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट? इन हाउ मेनी ईयर बोला है, कभी भी हाउ मेनी ईयर बोला है मतलब स्टूडेंट मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना था। ये क्या बोला स्टूडेंट? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया गया है। जो जो आपको दिस स्टूडेंट पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है? जैसे कि ये देखिए 399 एज सिंपल इंटरेस्ट, इसको भी लिख लेता है स्टूडेंट 99। ये क्या स्टूडेंट? 950 प्रोड्यूस, मतलब देखिए स्टूडेंट कितना साल बाद ये पैसा का इंटरेस्ट 399 होगा। ये पैसा, कोई भी पैसा जो होता है आप जो बैंक में जमा करते हैं, वो क्या आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट जिसमें अमाउंट बोला रहेगा। इसका मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल है 950, रेट है 7%, ठीक है स्टूडेंट? अब चलिए हम सम करते हैं। हमेशा कोई भी चीज़ को अगर इंटरेस्ट लगेगा वो तो प्रिंसिपल होगा, अमाउंट का क्यों? अमाउंट है ना स्टूडेंट, अमाउंट याद रखना, अमाउंट को मेंशन कर देता हमेशा। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप, अमाउंट का जब करेंगे अमाउंट मेंशन किया रहता है मैक्सिमम केस में, ठीक है? और इसमें देखिए पूरा बता दिया 399 एज सिंपल, कितना अच्छा से बोल दिया। देखिए सिंपलेस्ट था, प्रिंसिपल था, रेट था। तो स्टूडेंट मुझे निकालना क्या है? टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला तो आपको पता है स्टूडेंट, टी आई इंटू 100 पी इंटू आर। आपको पता है स्टूडेंट इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट है 399 इंटू 100, ठीक है स्टूडेंट? प्रिंसिपल पता है? प्रिंसिपल कितना है? 950। रेट, अब जो रेट दिया गया है, रेट भी दिया स्टूडेंट, कितना दिया रेट दिया स्टूडेंट? 7%, ठीक है स्टूडेंट? 0 0 कट, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, स्टूडेंट 5 1 जा 5 हो गया, 4 कैरी, 5 9 जा 45, ठीक है यहाँ तक? सो देखिए स्टूडेंट 19 से कटेगा 399, 19 से डिविजिबल है, देखिए स्टूडेंट 399 19 से कटेगा, 19 2 जा 38, 9 minus 8 1 9, 19 1 जा 19, ये कट गया स्टूडेंट। कितना आपका स्टूडेंट? 21। और 7 से भी कटेगा, 7 3 जा 21, ठीक है स्टूडेंट? तो आपका क्या बचा स्टूडेंट इसमें? 3 और 2, 3 into 2, ये कितना स्टूडेंट? 6। क्या है स्टूडेंट? 6 आया। तो हम क्या लिखे स्टूडेंट? देयर फॉर टाइम इक्वल टू 6 ईयर, ठीक है स्टूडेंट? इजी है, ठीक है? चलो स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं। तो स्टूडेंट ये सम भी बहुत अच्छा है, नंबर 2 का फाइंड द टाइम, मुझे टाइम निकालना था। तो स्टूडेंट टाइम पता नहीं था, इन विच दिस विल अमाउंटेड टू, मतलब ये पैसा जब बैंक पे रखे गया तो अमाउंट बोल दिया स्टूडेंट। देखिए जो चीज़ पूरा पूरी क्लियर मेंशन कर देता है, अमाउंटेड टू, अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना? ₹1536। आपको पता है स्टूडेंट ये पैसा, देखिए ₹1200 विल अमाउंटेड, मतलब ये बैंक में जब रखा गया है, ध्यान रखना आपने बैंक में पैसा, बैंक का पैसा इतना जमा किया स्टार्टिंग में, जमा करने के बाद थोड़ा दिन बाद आपको पैसा इतना ज़्यादा मिला,
ये तो बोल दिया अमाउंट है, तो ये क्या स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल होगा, ध्यान रखना। कुछ अगर मेंशन नहीं किया प्रिंसिपल के बारे में, ध्यान रखना। अमाउंट कब होता है स्टूडेंट, जब पैसा जमा करते उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तब अमाउंट बनता है, मतलब ये क्या स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल है। ठीक है स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या चीज़ पूरा एकदम दे दिया कॉन्सेप्ट। देखिए अमाउंट तो पूरा दे दिया, अमाउंट कहाँ से होता है, बिना प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बिना इंटरेस्ट का, देखिए इंटरेस्ट जो दिया रहता है वो कहाँ से आता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल से। पैसा जमा करने तब तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रिंसिपल हो गया रुपीज 1200, अब रेट था 3.5%। ठीक है स्टूडेंट, अब ये समय देखिए स्टूडेंट, आपको पता है जब भी हम टाइम करेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू आई इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट, पी इंटू आर, तो मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, बिना इंटरेस्ट का हम नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट। चलिए इंटरेस्ट निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट तो स्टूडेंट दिया गया है, देखिए रुपीज 1536 माइनस रुपीज 1200। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दोनों को माइनस करते हैं स्टूडेंट, अब माइनस करने के बाद आपके कितना आएगा स्टूडेंट, 336। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम थोड़ा आगे करते हैं स्टूडेंट्स के बाद, आपको क्या आता है स्टूडेंट, टाइम का फॉर्मूला, इसको मैं अच्छा से लिख लेता हूँ अच्छा से। ठीक है स्टूडेंट, तो इंटरेस्ट आ गया, आप स्टूडेंट टाइम अप्लाई कर सकते हैं हमेशा, जो फॉर्मूला करना है उसके बारे में क्या चीज़ दिया है नहीं दिया है, जो नहीं दिया है उसको निकालना पड़ता है हमेशा। इंटरेस्ट निकल गया आई इंटू 100, प्रिंसिपल भी दिया गया है, टाइम भी नहीं स्टूडेंट, इसमें क्या स्टूडेंट आपका रेट हो जाएगा, टाइम निकालना था, तो इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट, 336 इंटू 100, अब ये प्रिंसिपल कितना था, 1200, रेट था 3.5, आपको पता है स्टूडेंट अगर ये 3.5 है, इस पॉइंट को हटाइए तो ऊपर क्या है स्टूडेंट, आपका क्या है ऊपर 10 आएगा, 2020 कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, 5 2 10, 5 7 35। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर भी देखिए, ये क्या है, 7 से कटेगा, देखिए 336, हम 7 से ट्राई करते हैं, 7 4 28, 5 6 7 8 56। ठीक स्टूडेंट, 7 से कटेगा स्टूडेंट, देखिए 7 कितना हुआ, 48। ठीक है, और आपको पता है 12, देखिए 12 कितना था, 48 होता है, 12 4 जा। ठीक है स्टूडेंट, आपका आंसर क्या हो गया, 4 और ये 2 4 2 जा 8, 8 ईयर्स आया, क्या है स्टूडेंट, 8 साल। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट अच्छे से, देयरफॉर टाइम इक्वल टू 8 ईयर्स। स्टूडेंट इजी था स्टूडेंट, हाँ चलिए बहुत आसान था ऐसा क्वेश्चन, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स में, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी इज 3/4 ऑफ द सम। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन का बहुत अच्छा से समझना, मीनिंग एक एक लाइन पढ़ने से आपको समझ जाएंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी इज 3/8 ऑफ द सम, 3/8 ऑफ द सम, मतलब स्टूडेंट इसमें से बोला गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम, कोई पैसा था, पैसा कितना था स्टूडेंट, 3/8, सिंपल लैंग्वेज देखिए स्टूडेंट, द सिंपलनेस ऑन अ सर्टन सम, कुछ पैसा में ऑफ मनी इज 3/8 किसके ऊपर, द सम। अब सम क्या होता है स्टूडेंट, आपको ये चीज समझना है, अब सम क्या होता है,
पर इसमें क्या क्या दिया स्टूडेंट, टाइम दिया है, तो टाइम जो दिया है उसको लिख लेते हैं 6 1/4, इसका कितना है स्टूडेंट 25/4। ठीक है स्टूडेंट, मुझे निकालना क्या स्टूडेंट, रेट परसेंट, रेट परसेंट क्या निकाला स्टूडेंट, रेट परसेंट। पर यहां पर बहुत अच्छा बोला गया, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 38 इंटू सम, देखिए 38 ऑफ का मतलब इंटू होता है, सम बोला है। अब याद रखना कभी भी एग्जाम में आपको सम ऑफ मनी ऐसा बोल दिया, सम बोल दिया, तो सम क्या होगा स्टूडेंट, लेट सम ऑफ मनी स्टूडेंट क्या था, ये होगा आपका प्रिंसिपल पी, क्या स्टूडेंट पी है। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा स्टूडेंट, अब सिंपल से इजी है, आप क्या ले स्टूडेंट 38 इंटू सम, सम का मतलब क्या स्टूडेंट पी, आप पी भी यूज कर सकते हैं, एक्स भी यूज कर सकते स्टूडेंट, आपका मर्जी। ठीक है स्टूडेंट, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। तब ये देखिए आपका टाइम रेट नहीं दिया है, रेट निकालना था, प्रिंसिपल मिल चुका है, सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है, तो स्टूडेंट आपको क्या निकालना है स्टूडेंट आपको, तो ये चीज हमेशा अब लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपको पता चल जाए क्या दिया क्या नहीं दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो निकालना क्या है, फाइंड द रेट परसेंट, और आपको रेट का फॉर्मूला तो आता है स्टूडेंट, आर का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद पी इंटू टी, अब आई मतलब इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट। ठीक है 3/8 पी इंटू 100, आप प्रिंसिपल तो स्टूडेंट आपका क्या था, देखिए सम ऑफ मनी तो प्रिंसिपल ही था, पी का पी रहेगा 25/4, ये पी कट जाएगा 3/8 इंटू 100। देखिए स्टूडेंट, और ये नीचे क्या था, ये डिवाइड फॉर्म में था, 25/4 क्या डिवाइड था, कोई चीज अगर डिवाइड होगा, देखिए 25/4 डिवाइड है, ये क्या स्टूडेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/25। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 4 2 8 25 4 जा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको, चले स्टूडेंट इसको मिटा देता है, ये हो चुका स्टूडेंट आपका सबका, थोड़ा कैलकुलेशन हम दिखा देते हैं स्टूडेंट्स का बाद, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का बाद क्या बोला स्टूडेंट 3/2 इंटू 4, क्योंकि देखिए स्टूडेंट 25 4 100 होता है, 4 1 4 4 2 8, नीचे बचा 2 कितना 8 होता है, 2 2 2 कितना 4 होता है, 2 2 4 तो कितना स्टूडेंट 3 2 6 आएगा, क्या क्या स्टूडेंट 6 आएगा। ठीक है, अब ये 6 जो आया ये क्या स्टूडेंट क्या था, रेट इक्वल टू 6%। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिंपल समझना लैंग्वेज को, खास यही मेन लैंग्वेज था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 38 सम, ये आपको समझना पड़ेगा बस। ठीक है स्टूडेंट, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट आपको, तो आप क्या लेंगे दिया फॉर रेट इक्वल टू 6%। ठीक है स्टूडेंट, 6% पर, क्योंकि ये साल का है, पर एनम। ठीक है, इजी था स्टूडेंट, चलिए हम दूसरा सम करते हैं इसके बाद। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा हूँ अभी स्टूडेंट, क्योंकि 9 थोड़ा बाद में रखिए, 9 का अलग टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें पहले 10 दिखा दे रहा हूँ। इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% बी 5/8 ऑफ इटसेल्फ। तो स्टूडेंट आपको एक बहुत अच्छा चीज बोला गया इसमें, इसमें एक चीज बोला गया है, क्या बोला है, इंटरेस्ट क्या होगा स्टूडेंट, इंटरेस्ट बोला गया था, इंटरेस्ट ऑन अ सडन सम कोई पैसा के ऊपर, ठीक है, मनी एट 6% बी इक्वल टू, अब 6% जो दिया गया है तो ये क्या स्टूडेंट आपका रेट दिया गया है, रेट कितना है 6% बोला गया था, टाइम
निकालना टाइम नहीं था स्टूडेंट, ठीक है। पर इसमें बहुत अच्छा बोला गया, इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी एट 8% बी 5/8 ऑफ इटसेल्फ। इंटरेस्ट क्या होगा, 5/8 ऑफ इटसेल्फ। अब देखना स्टूडेंट, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो पता नहीं था स्टूडेंट, पर क्या बोला था स्टूडेंट, ऑफ इटसेल्फ मतलब क्या स्टूडेंट, क्या बोला है, ऑन अ सर्टन सम बोला ना, सम ऑफ मनी एट क्या बोला स्टूडेंट, 6%। तो ये था मनी बोला है, 5/8 ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब क्या स्टूडेंट, आपका कोई मनी था, देखिए स्टूडेंट ठीक है, मनी क्या रहेगा 5/8। यहाँ तो कोई डाउट है स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल रहा है इंटरेस्ट क्या बोला है, ऑन सर्टन सम, वो सम पता नहीं था, पर इसमें बोला है 5/8 ऑफ इटसेल्फ मतलब उसी पैसा का, ठीक है स्टूडेंट। तब ये चीज जो पता नहीं था, पैसा पैसा जिस पता नहीं था उसको क्या लेंगे स्टूडेंट हम लोग, लेट प्रिंसिपल बी रुपीज पी, पर यहां पर बोला गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या था स्टूडेंट, 5/8 मनी, मनी तो प्रिंसिपल होता है पी, ध्यान रखना इटसेल्फ मतलब जो पैसा था उसी को पर लगेगा 5/8, ठीक है। अब जो भी पैसा डालेगा बैंक में उस पैसे को क्या था स्टूडेंट, 5/8 इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल ठीक है। चलो स्टूडेंट इसका बाद आपका देखिए इंटरेस्ट बन चुका है प्रिंसिपल भी, और देखिए इंटरेस्ट 5/8 पी है, प्रिंसिपल पी है, टाइम पता नहीं था मतलब टाइम अभी खराब चल रहा है, टाइम निकालना था, जो चीज निकालना होता है उसी का फॉर्मूला यूज करना स्टूडेंट, ठीक है। आई इंटू 100 पी इंटू आर, आई था 5/8 पी इंटू 100, प्रिंसिपल पी रहेगा, रेट रहेगा 6, पीपी कट जाएगा 5/8 इंटू 100। स्टूडेंट देखिए ये डिवाइड बाय 6 बोला है, अब ये 6/1 अगर नीचे डिवाइड है तो स्टूडेंट क्या बनेगा, ये 1/6, सिंपल 5/8 इंटू 100 किया, 6/1 मतलब क्या स्टूडेंट, 1/6, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिए स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जोड़ना पड़ेगा अभी। तो मैंने क्या स्टूडेंट 5/8 इंटू, इसी के स्टूडेंट मैं थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पर, 100 इंटू 1/6, तो आप देख सकते स्टूडेंट कटेगा, 2/4 8, 2/50 2/2 4, 2/25, ठीक है स्टूडेंट, 2/4 8 2/50 2/2 4 2/25, तो स्टूडेंट पता है आपको 25/5 1/25 डिवाइडेड बाय 6/2 12, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, ठीक है। चलो इसके बाद हमें क्या करना स्टूडेंट, हमें जस्ट डिवाइड करना, देखिए स्टूडेंट ये जो भी आंसर आया 125/12 इसको डिवाइड करते हैं, पर मेरा स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये जो भी आ रहा है ये स्टूडेंट क्या बन रहा है, टाइम आ रहा है, क्या रहा है स्टूडेंट, टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा 12 से 12/1 12, तो ये 5 देखिए उतरेगा, अब जो उतरेगा उसको भी तो डिवाइड करना है स्टूडेंट, हमेशा जब कोई नया नंबर उतरेगा उसको भी डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो 12 से ये डिवाइड, देखिए 12/1 12 करने से नहीं होगा, तब 12/0 क्या स्टूडेंट, 0, कभी भी जो भी नंबर उतरेगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर ये 12/1 नहीं हुआ उससे छोटा दिखता हम लोग, उससे छोटा क्या है स्टूडेंट, 12/0, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या हुआ ये 5, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, 5 ऊपर जाएगा 12 नीचे आएगा, देखिए स्टूडेंट 5 ऊपर जाएगा 12 क्या है, नीचे आएगा, टाइम क्या है स्टूडेंट आपका 10, 5/12
ईयर्स आया था स्टूडेंट, आप कभी भी टाइम को ऐसा फ्रैक्शन मत लिखिए स्टूडेंट कभी भी। हाँ अगर आ गया तो उसको चेंज करना है, ठीक है। 10 तो ईयर ही रहेगा, 5 बाय 12 को क्या करना स्टूडेंट, आपको मंथ पे बनाना है। क्या करना आपको, मंथ पे बनाना है। तो मैंने क्या किया, 10 ईयर 5 बाय 12 ईयर 10 ईयर, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको पता है 5 बाय 12, ठीक है स्टूडेंट, आपको एक चीज पता है, ये 5 बाय 12 है, 5 बाय 12 लिखा। आपको पता है एक साल में 12 महीना होता है, इंटू 12 किया, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा होने से क्या है इंटू होता है, 12 कैंसल, तो स्टूडेंट क्या होगा ये आपका मंथ आ जाएगा। आप हमेशा लिख लेना स्टूडेंट, आपको पता है 1 ईयर में 12 क्या स्टूडेंट मंथ होता है। देखिए स्टूडेंट, जहां ईयर है वहां पर 12 मंथ, और ईयर तो बड़ा होता है इसलिए मल्टीप्लाई। इसका मतलब स्टूडेंट मेरा जो आंसर है फाइनल आंसर 10 ईयर कितना स्टूडेंट 5 मंथ, 10 ईयर क्या है 5 मंथ। इसका बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्लास में से कराऊंगा स्टूडेंट, ठीक है, दामी क्वेश्चन है, हमको मजा आएगा करके। थैंक यू स्टूडेंट।